मेडिकल कॉलेज से असुरन रोड पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा चल रहे अतिक्रमण अभियान के विरोध में सोमवार को स्थानीय लोगों और व्यापारियों के पक्ष में आते हुए सदर सांसद प्रवीण निषाद ने जिलाधिकारी से मुलाकात किया। सदर सांसद ने कहा कि जिला प्रशासन स्थानीय लोगों को बिना नोटिस दिए उनकी जमीनों का अधिग्रहण कर रहा है, उसे रोकने के लिए आज हम जिलाधिकारी से मुलाकात किए हैं। सदर सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद के साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव, कांग्रेस नेता राणा राहुल सिंह, मार्कंडे प्रसाद सिंह, नागरिक कल्याण समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव सहित एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन से समस्याओं के संबंध में मुलाकात किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव और सदर सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद ने कहा कि हम लोगों ने अतिक्रमण किया है तो नोटिस दिया गया था, वो नोटिस हमारे पास है। 25 जाने तो 20 से 12.5 साल उसके बाद नहीं उसके बाद मैं अभी उसके बाद 11 बजे को हुआ सर। नहीं वो 21 हुआ था। बड़ा साढ़े 23 मीटर पे लोग तोड़वा के बना लिए और 26 नाप के जो तोड़ा जा रहा है हम लोग नहीं चाहते 26 मार्जिन हो रहा है 26 मार्जिन ये रोका जाए 26 साढ़े 23 मार्किंग हो जा रही है घर में चलिए सब आए हुए हैं सब मोबाइल ही रखो गोरखपुर का जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश का शासन एक गोरखपुर के नागरिकों के खिलाफ है, गोरखपुर के शहरियों के खिलाफ है जो शहरी अपना घर बना करके शांतपूर्वक रह रहे थे और सरकारी सड़क पूरी छूटी हुई है। कहीं कोई कब्जा अगर था तो उस पर नोटिस जानी चाहिए, उनके खिलाफ नोटिस गई होती वो अपना कब्जा हटाते, लेकिन जबरदस्ती किसी का घर गिरा देना, जबरदस्ती बिना उसकी व्यवस्था किए बिना उसको मुआवजा दिए उसके मकान को छीन लेना, ये न्याय है भारतीय जनता पार्टी वालों का। और भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर के शहरियों के खिलाफ होकर के इस तरीके से उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर रही है। समाजवादी पार्टी उसी के लिए डीएम से मिलने गई थी, डीएम महोदय को बताया गया है कि महोदय विधिक रूप से रोड पहले ही इन्होंने अनाउंस कर रखा है, डीएम महोदय ने नपवा करके जब पीछे 3-4 महीने पहले जब वहां पर नापी हुई है तो इन्होंने अनाउंस किया था अखबारों में आप लोगों के माध्यम से, इन्होंने कहा था कि हम 23.5 मीटर बनाएंगे सड़क लेंगे, बीच सड़क से एक साइड में 12 मीटर समथिंग और एक साइड में 11 समथिंग। इन्होंने 23.5 मीटर का वहां वादा किया था, इन्होंने अनाउंस किया था उस बात को, क्यों पलट रहे हैं। हड़ताल के साइड में जो भवन बने हैं उन भवन में एक तरफ वी पार्क है सरकारी जमीन है, उधर नई सड़क बढ़ाई जा रही है, एक ही साइड में दोनों तरफ का पूरा हिस्सा ले लिया जा रहा है। तो इस अन्याय के खिलाफ मिला गया है उनसे, निवेदन किया गया है, अगर वो मान लेते हैं कानूनी बातों को कोई बात नहीं, नहीं मानते हैं तो हम लोग सड़क पर आकर के उनका विरोध करेंगे। आज जो असुरन से लेके अचल सिंह चौराहे तक का पहले जो सर्कुलर जारी हुआ था 23.5 मीटर का, उस पर सभी लोगों ने स्वतः अपने मकान को तोड़कर विकास के लिए अपनी ज़मीन को देकर कि रास्ता चौड़ा होगा हमें सुविधा होगी, लेकिन वर्तमान समय में फिर पता नहीं क्या हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से या जिला प्रशासन के आदेश से 13.5 मीटर का वहाँ पर कब्जा किया जा रहा है और बिना नोटिस के वहाँ पर रेड मार्क लगाया जा रहा है और जाके वहाँ पर दहशत फैलाने का जो काम किया जा रहा था जिला प्रशासन के द्वारा, उसको रोकने के लिए हम लोग जिलाधिकारी से मिले और तत्काल कार्रवाई करने की मांग हम लोगों ने उठाया और डीएम महोदय ने आश्वस्त किया कि जो पहले की जो पूर्व अध्यादेश था जब 23.5 मीटर का था HTG रहेगा उसी पे काम होगा और हम दूसरा प्रस्ताव एक लिख के प्रशासन को भेजेंगे, शासन को भेजेंगे कि जो CC रोड बनने का था वहाँ पे डामर रोड बनाया जाए और जिनके ज़मीनें सरकारी ज़मीनें रोड में आ रही उनको उचित मुआवजा देने का काम किया जाएगा।